क्वेश्चन है कि हमें इस बेंजैक का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की, यानी यह हमें बोर्ड मास रूल लगाना है और बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट है तो हमें ब्रैकेट से स्टार्ट करना होगा और राउंड ब्रैकेट है, ठीक है, तो हम सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें किसको सिंप्लीफाई करना होगा, मल्टीप्लाई को, यानी हमें सबसे पहले 13 इंटू 2 करना होगा जो होगा 26, यानी ये वैल्यू होगी 26 माइनस 26 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, 26 को जब 26 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, 0 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, और जब 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वह संख्या 0 हो जाती है, तो 0 प्लस 1 तो आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन डी। यानी सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू 0 आ गई। अब इसके बाद हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना था, तो 0 में जब भी किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो 0 हो जाता है, यानी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1।